हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कन्हैया विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही चैनल टेक्निकल अचीवमेंट में। दोस्तों, गियर रेशियो फॉर थ्रेड कटिंग, ठीक है, बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर गियर रेशियो के बारे में बताइए। मैं यूट्यूब पे सर्च भी किया, गियर रेशियो दिया तो हुआ है बट थ्रेड कटिंग से रिलेटेड गियर रेशियो मिलने को रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो को आप पूरा देखिए, इसमें आप समझ जाएंगे गियर रेशियो तो निकाल सकते हैं और उससे लिंक क्या है, थ्रेड काटने के समय में गियर रेशियो कैसे अटैच किया जाता है या फिर गियर रेशियो का मतलब क्या है थ्रेड कटिंग में, वो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। इस पे भी एक क्वेश्चन आ रहा है कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं और उसके बाद कमेंट कर रहे हैं, जिसका आंसर वीडियो में है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई किसी भी वीडियो को मेरा, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों है क्या, सबसे पहले देखिए ड्राइवर एंड ड्रिवन ट्रेन गियर रेशियो, ठीक है, इससे हम लोग क्या समझते हैं। यहां पर कुछ भी बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि गियर ट्रेन और गियर रेशियो में फर्क क्या है। कभी भी जब दो गियर या दो से अधिक गियर, कभी भी जब दो गियर या दो से अधिक गियर आपस में मिलते हैं, आपस में मिक्सअप होते हैं, तो उसको गियर ट्रेन कहते हैं। जैसे कि ये दो आपस में मिले हैं, ये तीन आपस में मिले हैं, ये चार आपस में मिले हैं, ठीक है, ये आपस में एक गियर ट्रेन बन गया है, आपस में एक गियर ट्रेन बन गया है। गियर ट्रेन किसको कहते हैं, जब कभी भी दो गियर या दो से अधिक गियर आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो उसको हम लोग गियर ट्रेन कहते हैं। गियर का रेशियो अब क्या है, गियर का रेशियो किसे कहते हैं, ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है समझने के ऊपर है। गियर का रेशियो किसे कहते हैं कि जब कभी भी दो गियर या दो से अधिक गियर आपस में मिलने के बाद अगर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के बीच में उसके स्पीड का कम या बेसी होता है तो उसको गियर का रेशियो कहते हैं। यहां पर मैं आपको समझाता हूं, यहां पर एक पिनियन है और एक स्पर गियर, ठीक है, छोटे गियर को हम लोग पिनियन कहते हैं और बड़ा गियर तो गियर है आपका, ठीक है। अब यहां पर रेशियो कैसे पता चलेगा, सपोज ये हम लोग का गियर जो है ये 30 का गियर है, ठीक है, और ये जो गियर है ये 120 का गियर है। अब क्या है, सपोज ये वाले पिनियन में हम लोग मोटर लगाते हैं, मोटर इसमें लगा दिए, तो अब क्या, सबसे पहले हम लोग इसको रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकालेंगे, रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो जब दो गियर होगा तो उसका रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, T1 डिवाइडेड बाई T2, ठीक है। हम लोग का T1 कितना है, 30 है, T2 कितना है, 120 है, तो हम लोग का रेशियो कितना आ जाएगा, 1/4 का। ये 1/4 कहने से समझते क्या है, हम लोग कहने का मतलब कि ये 120 का गियर अगर एक बार घूमेगा तो हम लोग का 30 का गियर चार बार घूमेगा, ठीक है ना। फिर से समझिए, ये 120 का गियर अगर एक बार घूमेगा तो हम लोग का 30 का गियर चार बार घूमेगा, ये 1:4 का रेशियो है, ठीक है ना, ये हम लोग का रेशियो आया है, 1/4 का रेशियो आया है, ठीक है। अब क्या है, जैसा मैंने बताया था, अगर हम लोग इस जगह मोटर लगाते हैं तो मोटर का स्पीड को कम अगर करना है तो हम लोग छोटे वाले गियर में लगाएंगे, मोटर का स्पीड को अगर कम करना है तो हम लोग छोटे वाले गियर में लगाएंगे, मतलब इस जगह। तो अब क्या होगा, मोटर जो स्पीड में घूम रहा है वही स्पीड में ये भी गियर घूमेगा, लेकिन फर्क क्या आएगा कि ये गियर जब चार बार घूम जाएगा तो ये गियर एक बार घूमेगा, यानी कि जो इस जगह सब्जेक्ट, इस जगह जो ऑब्जेक्ट है हम लोग का, जो भी जॉब है, ठीक है, वो स्लो, ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। अब मोटर से ज्यादा स्पीड अगर घुमाना हो तो कैसे करेंगे हम लोग, तो भी सिंपल है, ठीक है। अब क्या है, सपोज इस जगह हमने मोटर लगा दिया, इस वाले हिस्से में हमने मोटर लगा दिया, तो अब क्या होगा, अगर मोटर इसको एक बार घुमाता है तो ये एक बार घूमेगा ना, तो ये चार बार घूम जाएगा। मैंने बताया जैसे आपको
यानी कि मोटर का चार गुना स्पीड इस जगह घूमेगा, जो भी जॉब इस जगह रहेगा, जब मोटर एक गुना स्पीड इसको देगा तो जॉब चार गुना स्पीड में घूम जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट चार गुना ज्यादा घूम जाएगा। तो रेशियो का मतलब आपने समझ लिया है कि कभी भी जब दो गियर या दो से अधिक गियर लगाने के बाद स्पीड में कम या बेसी किया जाने के लिए ही खास करके हम लोग गियर का रेशियो को लगाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का मैंने सिंपल सा बनाया था ड्राइवर एंड ड्रिवन का ट्रेन गियर रेशियो, ये आप लोग समझ गए हैं। और दो गियर का रेशियो कैसे निकालते हैं ये भी आप लोग समझ गए। ये और ये हम लोग का थ्रेड कटिंग से रिलेटेड है। जब हम लोग लेथ मशीन में थ्रेड काटते हैं ना, तो सिंपल गियर ट्रेन लगाते समय ये तीन गियर लगाते हैं, और चार गियर जब काटते हैं तो ये कंपाउंड गियर हम लोग कुछ इस तरीका से लगाते हैं। सबसे पहले सिंपल गियर ट्रेन को समझते हैं। सिंपल गियर में क्या है, देखिए सपोज यहां पर भी सेम एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि ये हम लोग का 30 का है और ये 120 का है। फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला यही बनेगा कि अगर ये आइडलर है, क्या है, आइडलर गियर है। आइडलर गियर का कोई मतलब नहीं होता, उसको हम लोग केवल इसलिए लगाते हैं कि दो गियर के बीच में पेचअप हो सके, उसमें जुड़ सके, इसके लिए हम लोग आइडलर गियर लगाते हैं, वरना आइडलर गियर का कोई मतलब नहीं है। केवल आपस में दो गियर को जोड़ने के लिए हम लोग बीच का एक गियर लगाते हैं। तो सबसे पहले इसको समझाता हूं, फिर इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा। अब इसका ये तीन गियर का रेशियो कैसे निकालेंगे, वही सेम फॉर्मूला लगेगा, T1/T2, इसमें भी वही आ जाएगा 30/120, ठीक है, और आपका आ जाएगा 1/4, यानी कि ये चार बार घूमेगा तो ये आपका एक बार घूमेगा। लेकिन सिंपली जो क्वेश्चन आता है लोगों की तरफ से कि सर मुझे आइडलर को लेते हुए गियर का रेशियो निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, उसके पीछे भी एक सिंपल है। हम लोग इस गियर को कुछ भी मान लेते हैं, जब आप लोग फिट करोगे तो कोई भी एक गियर फिट होगा। हम लोग इसे मान लेते हैं कि ये जो गियर है ये 50 का गियर है, कितना का भी गियर हो ये मान लेते हैं 50 का गियर हो, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो भी इसका फॉर्मूला यही बनेगा, T1/आइडलर, ठीक है, इनटू आइडलर बाय T2। अब क्या है, T1 हम लोग का है 30/50, इनटू आइडलर हम लोग का है 50/120। तो अब इस जगह देखिए आइडलर का मतलब मैंने शुरू में क्यों बोला था कि कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ये 50-50 हम लोग इंटू करेंगे तो ये 50-50 कट गया, हम लोग का बचा क्या, वही 30/120 है ना। यानी कि हम लोग का गियर का रेशियो तीन गियर में केवल हम लोग ड्राइवर एंड ड्रिवन को ही लेंगे, आइडलर को नहीं लेंगे, बट चार गियर में ऐसा नहीं है, चार गियर में हम लोग का चेंज हो जाएगा। थ्रेड कटिंग में आप लोगों को ये पता होगा, थ्रेड कटिंग से मैं अभी तुरंत बताऊंगा इसके बाद ही, गियर ट्रेन समझाने के बाद, ठीक है। तो अब क्या है, चार गियर में आते हैं, यहां पर भी गियर को हम लोग कुछ मान लेते हैं, जैसे कि इस जगह हम लोग मान लेते हैं कि ये सपोज 50 का गियर है, ठीक है, और क्या, ये हम लोग का जो है ये 100 का गियर है, ठीक है, ये जो है ये हम लोग का कितना का गियर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 30 का गियर है, और इसको मान लेते हैं कि 120 का गियर है, ठीक है। ये हम लोग का हो गया T1, ये हम लोग का हो गया T2, ये हम लोग का हो गया T3, और ये हो गया T4। तो इस जगह फॉर्मूला क्या बनेगा, इस जगह फॉर्मूला बनेगा T1/T2 इंटू T3/T4। जब हम लोग थ्रेड कटिंग करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोल करके फिट करते हैं, ABCD गियर है ना, ये हम लोग का A, ये B, बीच वाला C और नीचे वाला D। लेकिन गियर रेशियो लेते वक्त हम लोग T1/T2 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग का सिंपल इसमें पुटअप करते हैं, T1 कितना आ रहा है 50, T2 कितना आ रहा है 100, इंटू T3 हमने लिया है 30, T4 लिया है 120, ठीक है। अब क्या है, ये 51 कट गया, 1/2 बचा, इंटू 30 में आया 1/4, ये हो गया 1/8। इसका रेशियो कितना आ रहा है 1/8 का,
यानी कि 1/8 से रिलेटेड जो भी आपका पिच होगा, 1/8 का रेशियो में जो भी आपका पिच या टीपीआई आएगा वो आपका इस गियर से थ्रेड कट जाएगा। आप लोगों को समझने में, मुझे पता है अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक आसान तरीका समझाता हूँ, कुछ हिस्से को मिटा देता हूँ। जैसे कि मैं इसको रहने देता हूँ, यहाँ पर इस हिस्से को मिटा देता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। अब क्या है, सपोज मुझे एक एग्जांपल दूंगा समझाने के लिए, केवल मुझे लेथ में थ्रेड काटना है जिसका लीड स्क्रू है 2 TPI, लीड स्क्रू है 2 TPI और मुझे काटना है 16, ठीक है ना, 1 इंच में 16 चूड़ी काटना है, यानी कि 16 TPI काटना है और लेथ का लीड स्क्रू है 2 TPI। इससे ही रिलेटेड बता रहा हूं, ठीक है। अब क्या है, हम लोग का जो फॉर्मूला है थ्रेड काटने का उसको हम लोग पुट ऑफ करेंगे। फॉर्मूला क्या है, लीड स्क्रू डिवाइडेड बाई लीड ऑफ जॉब, ठीक है। हम लोग का लीड स्क्रू कितना है लेथ मशीन का 2 TPI, यानी कि 1 इंच में 2 चूड़ी आ रहा है, और हम लोग को कितना टीपीआई काटना है तो 16, ठीक है। अब इसको हम लोग गियर निकालते हैं, 2/16 का तो गियर होगा नहीं, तो इसको हम लोग निकालेंगे। तो यहां पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना इसको कि 2/4 × 1/4, ऐसे मैं लिख सकता हूं ना, 4 × 4 = 16 हो जाता है। अब क्या यहां पर हम लोग का 4 गियर निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, यहां पर 2/4, जैसा कि मैंने बताया अपने वीडियोस में कि हम लोग को ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर हम लोग कितना कितना मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम लोग 25-25 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोग का कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 50/100। ये हम लोग का पहला 2 गियर निकल गया, ठीक है ना। अब 1/4, इसमें भी हम लोग ऊपर नीचे बराबर मल्टीप्लाई करेंगे आज पर गियर जो निकल जाए। तो यहां पर हम लोग 30-30 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हम लोग का आ जाएगा 30/120। अब ये फॉर्मूले के अनुसार हम लोग का गियर रेशियो पता करना है कि गियर का रेशियो से हम लोग का कैलकुलेशन जो है 16 TPI कटेगा या नहीं कटेगा, कैसे पता चलेगा। तो इसका रेशियो हम लोग का कितना आया था, 50, 100, 30, 120, है ना, 50, 100, 30, 120, इसका रेशियो कितना आया, 1/8 का। हम लोग का कितना आ रहा है, तो ये कितना है, 2/16, तो ये देखिए 2/16, यही हम लोग को काटना था ना, लीड स्क्रू 2 है और ये 16, तो ये कितना आ रहा है, 8, यानी कि इसका भी रेशियो 1/8 आ रहा है। यानी कि कैसे आप लोग को पता चलेगा कि हम लोग का गियर का रेशियो से ये पीच या टीपीआई कट जाएगा, वो कैसे पता चलेगा, जब हम लोग का लीड स्क्रू से जितना टीपीआई काटना है उसको डिवाइड करेंगे जो रेशियो आ रहा है, अगर वो रेशियो इसके साथ मैच कर रहा है गियर के साथ में, गियर के रेशियो के साथ में, मतलब आपका वो कट जाएगा, ठीक है ना। ये तरीका है गियर का रेशियो निकालने का, और थ्रेड कटिंग करते समय यही तरीका आप लोग को अपनाना है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करें, फेसबुक पेज के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप फॉलो कर ले, वहां पर भी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे भेजिए, कभी भी पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, लेकिन जो न्यू विजिटर्स विजिट किए ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि न्यू अपडेट्स आपको वहीं से मिलेंगे। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए आप लोग इसे समझिए और इंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों।